तो दोस्तों, अगर आपको भी डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के फॉर्मूलेज याद करने में कंफ्यूजन होती है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टी नॉट एफ और टी नॉट बी वो टेम्परेचर है जिस पे सॉल्वेंट पहले फ्रीज और बॉइल हो रहा था, और टीएफ और टीबी वो टेम्परेचर है जिस पर हमारा सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फ्रीज और बॉइल हो रहा है। दोस्तों, टीबी का फॉर्मूला होता है आई के बी एम और टीएफ का फॉर्मूला होता है आई के एफ एम। अब इन दोनों फॉर्मूलेस के राइट हैंड साइड को याद करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी चीज पहले आएगी ये याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आइए उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारे लिए बॉइलिंग और फ्रीजिंग जैसे टास्क पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई सॉल्वेंट पहले बॉइल हो रहा था 400 केल्विन पर, तो अब सॉल्यूशन बनने पर उसे हमें बॉइल करना पड़ेगा पहले से ज्यादा टेम्परेचर, जिसका मतलब है टीबी की वैल्यू होगी टी नॉट बी से ज्यादा। और क्योंकि हमें चेंज इन टेम्परेचर को रखना है पॉजिटिव, तो हम टीबी में से माइनस करेंगे टी नॉट बी को। दोस्तों, इसी तरह अगर कोई सॉल्वेंट पहले 280 केल्विन पर फ्रीज हो रहा था, तो अब उसे फ्रीज करना हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल, यानी कि हमें टेम्परेचर करना पड़ेगा और भी ज्यादा कम, जिसका मतलब है कि टीएफ की वैल्यू टी नॉट एफ से कम है। और क्योंकि हमें चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव चाहिए, तो हम टी नॉट एफ में से माइनस करेंगे टीएफ को, जिसकी मदद से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। और यही है इन दो फॉर्मूलेस को याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और लर्निंग टेक्निक्स आपके लिए लाता रहूं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप जैसे ही और स्टूडेंट्स की मदद हो सके। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप एक्टिव हो। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज की मदद ले सकते हैं, उन पर मुझे फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लर्निंग टेक्निक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि उस पर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो ला सकूं। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।